कश्मीरी आलू दम है, मलाई कोफ्ता है, चना मसाला है, पालक पनीर है, मिक्स वेज है और दाल मखनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग थंबनेल देख के अगर आए हो और व्लॉग पे अगर नए हो तो प्लीज़ बोलूँगा सब्सक्राइब कर दो। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो उससे हम लोग जैसे नए यूट्यूब जो कंटेंट बनाते हैं उनको मोटिवेशन मिलता है और नया नया प्लेस और नए नए जगह एक्सप्लोर करने का मन करता है। तो प्लीज़ गाइस, कुछ नहीं, आप लोग के लिए जस्ट सब्सक्राइब बटन दबाना है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गए हैं आप लोग के लिए और एक लोकेशन लेके। स्ट्रीट फूड है, पूरा लंच ये सर्व करते हैं और ये जो एरिया है ये स्टैंड रोड के अंदर में एरिया है और यहाँ पे कम से कम आसपास में 10 से 15 बैंक है। तो बहुत सारे बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं जो यहाँ पे लंच करते। मेरे पीछे आप देख सकते हैं शेरे पंजाब ढाबा है, एकदम लोकल स्ट्रीट फूड सर्व करते हैं, पूरा लंच सर्व करते हैं एंड दैट टू प्योर वेजिटेरियन। तो मैंने इसके पहले एक और व्लॉग बनाया था DLF का, तो वहाँ ज़्यादा करके नॉनवेज आइटम्स था और वेज भी था। तो अगर आप लोग ने वो व्लॉग नहीं देखा है तो आई बटन में डालूंगा, ज़बरदस्त व्लॉग बना और वो व्लॉग आप लोग को देखना है। और आज आ गए हैं नया व्लॉग शूट करने के लिए, तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या यहाँ का खाना है और क्या खाना का टेस्ट है। हाँ, सब्जी क्या क्या बता दी? मिक्स वेज मिले, मिक्स वेज, मिक्स वेज मिले, दाल मखानी, दाल मखानी, चना मसाला, चना मसाला है, चना मसाला, कश्मीरी आलू दम, कश्मीरी आलू दम, ठीक है, मलाई कोफ्ता, मलाई कोफ्ता और इसका एक ग्रेवी संग में देते हैं। अच्छा ठीक है, पालक पनीर, वाह, दाल फ्राई, दाल फ्राई, और संग में टिक्का, अच्छा पनीर टिक्का मसाला भी है, वाह भाई वाह, अच्छा अच्छा अच्छा, दही रायता भी देते, ख़त्म हो गया, अच्छा राइस भी ख़त्म हो गया अभी, बाप रे बाप, ठंड का टाइम में आपको मक्का रोटी, ठंड के टाइम में ठंड में मक्का रोटी मिलेगा, साग मिलेगा, वाह रे, संग में प्याज भी देते हैं, अचार है और पापड़ भी है, घर ले जाने के लिए कंटेनर भी है, आपका लीजिए 70 रुपया पड़ेगा, 70 रुपया, ये वाला 35 रुपया का, 35 रुपया, खाने के लिए आपका ये वाला 20 रुपया का है, अच्छा ये वाला 18 रुपया का, 18 रुपया, ये मारा कैसा है, थैंक यू, वो लग रहा हमारा थाली, तो ये सब्जी देख सकते हो 18 रुपीज़ करके हाफ प्लेट और फुल प्लेट आता है इनका 30 रुपया का। कश्मीरी आलू दम है, मलाई कोफ्ता है, चना मसाला है, पालक पनीर है, मिक्स वेज है और दाल मखनी है। तो भाई इतनी सारी सब्जी नाम लेने से तो पहले मुंह में पानी आ गया है। मिस्सी रोटी है और मसाला कुलचा है, तो अब आपको टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके बताएंगे। ये इनका मसाला कुलचा देख सकते हो गाइस, और अंदर में स्टफिंग भी अगर दिखाऊं तो, और ऊपर में प्याज व्याज धनिया पत्ती वत्ती सब लगा के अच्छे से देते हैं और इसका दाम है मात्र 30 रुपया, सॉरी इसका दाम है मात्र 20 रुपया, 20 रुपया के अंदर में ये मसाला कुलचा। भाई अब वेट नहीं हो रहा, टेस्ट करते और आपको जल्दी से बताते हैं कि कैसा यहाँ का खाना है। तो पहले ट्राई करते हैं यहाँ की दाल मखनी, देख सकते हो, पहले पूरा खाता हूँ फिर आपको रिव्यू दूंगा। अब ट्राई करते हैं इनका शाही पनीर, सॉरी पालक पनीर, सॉरी, इनका जो टेस्ट है सब्जियों का अलग है काफ़ी, ऐसा नहीं है कि सब सब्जियों का टेस्ट एक जैसा है। अब ट्राई करते हैं इनका चना मसाला,
नाइस। सारी में गाइस देख सकते हो प्याज भी है, अचार भी है, मिर्चा भी दिया हुआ है। तो ये खाने के संग में जब वो खाते हैं उसका टेस्ट इन्हेंस होता है। और मसाला कुलचा भी जो है स्पाइसी जैसा है। अब ट्राई करते हैं इनका मिक्स वेज। टेस्ट प्राइस के हिसाब से इनका काफ़ी अच्छा आ रहा है, क्योंकि ये पर्टिकुलर पूरा वेज है। तो इनकी जो प्रेपरेशन है उसका कुछ पैटर्न अलग है। जो लास्ट वीडियो हम यहाँ शूट करने गए थे उनके पास ज़्यादा में नॉन वेज था, तो उनका वेज में जो टेस्ट था थोड़ा सा कमज़ोर था, लेकिन यहाँ के जो जैसे प्योर वेज है उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। आप खाते हैं इनका कश्मीरी आलू दम। आलू का बहुत बड़ा पीस है 18 रुपीस के अंदर में। खाते हैं मिस्सी रोटी के संग में। जो मिस्सी रोटी भी देख सकते हो बेसन की है, इसमें भी प्याज और धनिया पत्ती से गार्निशिंग इन्होंने किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत टेम्पटिंग लग रहा है देखने में। इनफैक्ट ये है इनका मलाई कोफ्ता, पूरा एक पीस दिया इन्होंने। जो पूरी है पूरी पनीर की स्टफिंग अंदर में। तो अब बात करें ओवरऑल रिव्यू की, तो मैं चालू करता हूँ पहले छोला से। छोला मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इनका, पूरे फ्लेवर अच्छे से आ रहे थे, टेस्ट बहुत ही बेहतरीन था, स्पाइसी भी था। फिर मैं बात करूँ अगर पालक पनीर की, तो पालक पनीर के अंदर में पीसेस आप देख सकते हो अच्छे से इन्होंने दिया पीसेस, और एक्चुअली मेरे को पालक का इतना टेस्ट नहीं आ रहा था, तो ये सो लगा। मिक्स वेज है, मिक्स वेज के अंदर में इतनी सारी सब्जियां गाइस चेक कर सकते हो, और कैशूनट की पूरी ग्रेवी है, तो ये भी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा, अच्छा फ्लेवर दे रहा है ये भी। और फिर अगर बात करें आलू दम जो सॉरी कश्मीरी आलू की, तो आलू का एक बड़ा सारा पीस देते हैं ये इसके अंदर में, और हाफ प्लेट है ये 18 रुपीज़ का। तो इसके भी जो टेस्ट है मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, हालांकि इसमें प्याज काफ़ी दिया हुआ है, तो एक बार मेरे को लगा कि ये आलू दो प्याजा है। और फिर बात करें अगर दाल मखनी की, तो दाल मखनी मेरे को यहाँ की एवरेज लगी, मेरे को इतनी खास नहीं लगी, बट ठीक है 18 रुपीज़ के अंदर में है तो ट्राई बनता है। और फिर अगर बात करें मलाई कोफ्ता की, तो जो मलाई कोफ्ता है हालांकि स्टफिंग वगैरह पूरी अच्छे से दी हुई है, लेकिन मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा मलाई कोफ्ता, क्योंकि ये क्या है थोड़ी सी ठंडी हो रखी थी ग्रेवी, और ये अलग से जो ये कोफ्ता है कोफ्ता के ऊपर में ग्रेवी डाल के देते हैं। और बात करें अगर रोटी की, तो रोटी में था हमारे पास में मिस्सी रोटी, और थी आपके पास में मसाला कुलचा, तो दोनों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा था। मसाला कुलचा आप देख सकते हो एकदम रेड ग्रेवी अंदर में, सॉरी एकदम स्पाइसी लुक दे रहा अंदर में मसाले वगैरह। तो ओवरऑल खाना अगर मैं बोलूं, क्योंकि ये प्योर वेज ढाबा है, तो यहाँ का खाना मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, और मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। और ये जो एरिया है बहुत सारे बैंक्स हैं यहाँ पे आसपास में, तो लंच टाइम में काफ़ी बैंक्स वाले एम्प्लॉयज़ यहाँ पे आते हैं और लंच करते हैं। तो गाइस फॉर 18 रुपीज़ में हाफ प्लेट एंड 20 रुपीज़ का आपका मसाला कुलचा और आपका ये मिस्सी रोटी के हिसाब से ये लंच बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप कभी भी यहाँ पे अगर आते हो तो डेफिनेटली यू विल एंजॉय।